लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने 17वीं लोकसभा समापन के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कह दी। साथियों बता दें कि चिराग पासवान जो कि एनडीए सरकार का ही हिस्सा रह चुके हैं और जो कि 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा चिराग पासवान गए थे। बता दें कि 16वीं लोकसभा चिराग पासवान अपने पिताजी के साथ संसद गए हुए थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में चिराग पासवान को अकेले रहना पड़ा पिता के जाने के बाद। बता दें कि जिस वक्त पार्टी के टूट हुई इसके बाद सभी पांच सांसद बगावत किए, इसके बाद चिराग पासवान संसद में डटे रहे अकेले। और बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए के कई महत्वपूर्ण फैसले से इन 17वीं लोकसभा में लिया गया, वो चिराग पासवान ने कई महत्वपूर्ण बातें बता दी। चिराग पासवान ने बताया कि धारा 370 से लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जो 17वीं लोकसभा में उसको ख़त्म किया गया। राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का था, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको 17वीं लोकसभा में समापन किया गया। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि चिराग पासवान 17वीं लोकसभा में अपने दोस्तों के साथ, अपने सांसदों के साथ बैठकर मस्ती करते हुए। चिराग पासवान ने बताया कि ये इतिहास और भविष्य का कड़ी 17वीं लोकसभा में हमें देखने को मिला। और चिराग पासवान जिस तरीके से 285 नंबर चिराग पासवान का था, चिराग पासवान ने एक भावुक पोस्ट करके इतिहास और भविष्य की बात कह डाली। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान 17वीं लोकसभा में पुरानी संसद और नई संसद की ओर चिराग पासवान को जाने का मौका मिला। चिराग पासवान अपने को बहुत ही भाग्यशाली सांसद समझते हैं कि जिन्हें इतिहास और भविष्य के बीच रहने का मौका मिला। बता दें कि चिराग पासवान ऐसे सांसद हैं जो कि सबसे युवा सांसद चिराग पासवान है, सबसे तेज तरह सांसदों में चिराग पासवान की गिनती होती है। चिराग पासवान जमुई से आते हैं जो कि बिहार में जमुई है। चिराग पासवान के दूसरी बार लोकसभा था। बता दें कि चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई से ही शायद टाल ठोक सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं लेवी बिहारी चैनल। जय हिंद।